स्पीच की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। महिला टोल कर्मी के साथ मारपीट होगी, अभी तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर होगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें, सो देख सकते हैं किस तरह से ये अब गुंडागर्दी की शुरुआत इन तस्वीरों में हो चुकी है। अब देख सकते हैं जैसे ही वो महिला आती है तो ये धक्का मुक्की इस तरह से की गई। सूरज दोहन हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से। जी सूरज, जानना चाहेंगे क्या हुआ था ऐसा, किस तरह से ये क्यों अंजाम दिया गया इस तरह की गुंडागर्दी को? सूरज आवाज सुन पा रहे हो? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे क्या वाक्य हुआ। सूरज आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकया हुआ, कैसे ये गुंडागर्दी की वारदात पर यहाँ पर अंजाम दिया गया? देखिए गुरु, जैसे ही वो टोल कर्मी जो महिला कर्मी थी उसने उसे टोल मांगने की कोशिश की, लेकिन जो स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आया था उसने टोल देने के लिए मना कर दिया। और जब उसने कहा कि टोल देना पड़ेगा तो उतर के उसके मुंह पे उन्होंने थप्पड़ मारा, जहाँ पर मौके हुआ तुरंत उसके जो नाक में से खून बहने लगा और तुरंत वहां पर इकट्ठा हो गए। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। सुबह 8:30 बजे घटना है, लेकिन वहां तक वह जो आरोपी था फरार हो गया, लेकिन यहाँ टोल कर्मी और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन जो आरोपी है गिरफ्त से बाहर है। और स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर वो आया था, सिर्फ टोल मांगने के ऊपर झगड़ा हुआ था, क्योंकि जो महिला टोल कर्मी है उसने सिर्फ यही कहा था कि आपको टोल देना पड़ेगा, तो उसने टोल देने के लिए मना कर दिया। जब टोल देने के लिए मना करने के बावजूद वो बाहर निकल के आया और उसके ऊपर हाथ उठाया, यानी जो महिला है उसके ऊपर थप्पड़ मारा। जी सूरज, नंबर सब कुछ कैद है, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें बता रही हैं, क्या कर रही है पुलिस, क्या कार्रवाई कर रही है? आप बता रहे हैं कि गाड़ी भी जो है इस तरह की है। देखिए गुरजत, बिल्कुल जो गाड़ी है स्कॉर्पियो ब्लैक रंग की गाड़ी है, आप कैमरे में जो आपने तस्वीर देख सकते हैं, और गुड़गांव नंबर यानी गुरुग्राम नंबर की है गाड़ी है। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि वो जो अभी तोड़ करके वहां पे फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो टोल कर्मी है जो महिला है उसको नाक में से खून बह रहा है, उसको तुरंत मेडिकल में ले जाया गया। और टोल कर्मियों ने सिर्फ रोष जताया है कि यहाँ पर इस तरह गुंडागर्दी सामने आती रही है, उसे पूरी सुरक्षा चाहिए, यानी पूरी सुरक्षा वो मांगते नजर आ रहे हैं कि पहले भी यहाँ पर फायरिंग चलती रही है, फायरिंग करके वहाँ भाग जाते हैं, गोली चला के भाग जाते हैं, मारपीट के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन आज फिर एक महिला जो टोल कर्मी जो हाथ उठाया है वो बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि महिला जो हाथ उठाया है तो यही एक पूरा रोष यहाँ पर दिख रहा है। जी महिला टोल कर्मी की सेहत ठीक है? आप बता रहे हैं कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और ज्यादा जख्मी हुई, वो नाक से खून बहने लगा। जी बिल्कुल, जैसे उसने जो अपना जो थप्पड़ है जो घूसा उसके महिला के नाक पर जैसे मारा, तो नाक मारते ही आप देख सकते हैं कैमरे में उसके आंख में उसके नाक। ठीक है सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद, रोकना चाहेंगे।